नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा में कुरवाई में ईद की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने रखी शांति समिति की बैठक। थाना परिसर कुरवाई में आज ईद की तैयारी को लेकर सभी समुदाय के गणमान्य नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें तहसीलदार कुरवाई आशुतोष शर्मा एवं नायब तहसीलदार अनामिका सराफ द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए शांति और सद्भाव पूर्वक ईद का त्यौहार मनाने की अपील की। बैठक में मुख्य रूप से शहर काजी शौकत उल्ला हाशमी, वरिष्ठ समाज सेवी पंचम लाल सप्रे, पूर्व विधायक पानबाई पंथी, जनपद अध्यक्ष पंडित प्रेम नारायण तिवारी भाजपा के पूर्व पंडित प्रेम नारायण तिवारी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश सोनी, वरिष्ठ पार्षद मोहम्मद इरफान काजी, पार्षद जफर शेख, कांग्रेस नेता आबिद खान, ठेकेदार भाजपा नेता सीताराम सैनी, काजी असदुल्ला हाशमी, समाज सेवी अमित जैन सहित नगर के गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार उपस्थित रहे। कुरवाई संवाददाता मजाज मोहम्मद की रिपोर्ट। ईद की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मेरी तरफ से मैं गुजारिश मेरी ये रहेगी मुस्लिम बिरादरान से कि लॉकडाउन को लेके जो शासन प्रशासन के निर्देश जारी हुए हैं उनका पूरी तरह से पालन करते हुए हमें इस पवित्र त्यौहार को पूरी शिद्दत से पूरी कल ईद है, ईद को लेके क्या संदेश रहेगा आपको? ईद है परसों, 25 तारीख को ईद है और ईद को लेकर ये संदेश है। ख़ास तौर से आज हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे उलमाओं के एतबार से जो हमें खुसूसी उनका संदेश मिला है उसको देखते हुए मैं यही कहूँगा कि हमारे उलमाए इकराम के हुक्म को माना जाए और 5 आदमियों से ज़्यादा कहीं भी इकट्ठा ना हो, जिससे कानून का पालन भी हो। ईद को ईद की नमाज और मस्जिदों में 5-5 लोग नमाज़ पढ़ें, बाकी जो लोग रहें वो अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। खुसूसी तौर पर गले न मिलें, जिस तरह से अमूमन ईद पर मिला जाता था, गले न मिलें, हाथ न मिलाएं, क्योंकि हमारे दिल तो मिले हुए हैं, हाथ मिलाने से क्या फ़र्क पड़ता है। शुक्रिया।